हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं 8 और 9 फरवरी के एमसीक्यू कवर करूंगा। ये एमसीक्यू मैंने द हिंदू अखबार और पीआईबी से मिलकर बनाए हैं। टोटल एमसीक्यू है 10, 5 हैं 8 तारीख के और 5 हैं 9 तारीख के। ये एमसीक्यू मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। मेरा नाम है गौरव। आज हमारी जो सेल है, शिवरात्रि या वैलेंटाइन डे सेल, उसका दूसरा सेकेंड लास्ट डे है। कल ये सेल खत्म हो रही है 15 तारीख को। तो अगर आप कोई भी हमारा पेनड्राइव कोर्स खरीदना चाहते हैं, यूपीएससी के लिए बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, तो आप studyiq.com पर जाकर भारी डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है और मध्य प्रदेश पीएससी की पेनड्राइव लॉन्च हो चुकी है। इसको बनाया है मध्य प्रदेश पीएससी की रैंक 1 संपदा सराफ ने। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है tirelesssoul। 7 to 7:30 एवरी डे मैं आपकी क्वेरीज आंसर करता हूं रात को। या ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है gaurav_garg888। शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल था बिग डिस्कवरीज हैव स्मॉल ओरिजिन। बहुत ही शानदार ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर संता नाम ने। इन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी चीज़ें जो होती हैं बहुत छोटी चीज़ों से शुरू होती हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो विक्रम साराभाई थे वो अपने घर के बाहर छोटे छोटे रॉकेट बना के उड़ाया करते थे और उसी से इसरो की स्थापना हुई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से जो गूगल है, गूगल की शुरुआत भी बहुत कम पैसों से हुई थी और आज गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा करना चाहते हैं तो भारत को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है, जैसे रिसर्च पर ध्यान देना है खासकर, और जो फंडिंग है वो थोड़ी होनी चाहिए अच्छी, जिससे भारत में जो प्रोजेक्ट हैं उनको फंड किया जा सके, उनको पैसा मिल सके। तो भारत अभी 2% ऑफ द GDP खर्च करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये गलत है, भारत बिल्कुल 2% नहीं करता है, भारत करता है सिर्फ 0.8%, यानी 1,00,000 करोड़ रुपए सिर्फ, विच इज 0.8% ऑफ द GDP। दूसरा, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, CERN बोलते हैं इसे, इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। ये ठीक है, ये गलत नहीं है। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है जो हमारा, SERB, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है। ये गलत है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ऑटोनोमस बॉडी है, यानी इसको स्वायत्तता मिली हुई है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी नहीं है। डॉक्टर सी वी रमन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए 1929 में। ये गलत है, 1930 में मिला था, ना कि 1929 में। भारत जो है वो एकमात्र नॉन यूरोपियन कंट्री है जिसे फुल मेंबरशिप मिली हुई है CERN की। क्या ऐसा है? ये भी गलत है, ये भारत नहीं है, ये इसराइल है। इसराइल एकमात्र नॉन यूरोपियन कंट्री है जो यूरोप में नहीं है जिसको मेंबरशिप मिली हुई है CERN की। तो इसके अंदर सिर्फ बी ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी इज ट्रू। CERN जो है ये 1954 में बना था और अभी इसके 22 मेंबर हैं, जो 1930 में डॉक्टर सी वी रमन को जो नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए वो मिला था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, जो इनका काम था, इसको रमन इफेक्ट बोलते हैं इसी के नाम पे, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की इन्होंने डिस्कवरी की थी। अब ये आर्टिकल है द जूमा हर्डल। इसमें यह बताया है कि जो दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट है जैकोब जूमा, उनकी सत्ता कैसे गिरने वाली है, और एक भारत की भी फैमिली है जिसका नाम है गुप्ता फैमिली, उनके साथ भी मिलकर उन्होंने करप्शन और ओमिशन के चार्जेस हैं उन पे। साउथ अफ्रीका में काफ़ी अनपॉपुलर हो गए हैं इस वक्त वो, और बहुत ही बड़ा हर्डल है उनके सामने, इसको बोलते हैं द जूमा हर्डल। द हिंदू ने नाम दिया है इस चीज़ को द जूमा हर्डल। तो साउथ अफ्रीका के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? सबसे पहला ये है कि साउथ अफ्रीका में जो 1948 से 1991 जो लगभग 47 साल वहाँ पे भेदभाव रहा, रंग के आधार पर रेशियल सेग्रीगेशन, डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पर, उसको अपार्थेड कहा जाता है। ये ठीक है, अपार्थेड बोलते हैं उस पॉलिसी को। ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड यानी बहुत ही व्यापक तौर पर ये एक भेदभाव होता था लोगों के साथ। साउथ अफ्रीका का बॉर्डर ये सारे कंट्री मिलके बनाते हैं, बोट्सवाना, मोजाम्बिक, नामीबिया, स्वाजीलैंड, जिम्बाब्वे और लेसोथो। अब यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज कलर में है ये पूरा साउथ अफ्रीका है, तो ये नामीबिया है, ये बोट्सवाना है, ये जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक है, और ये स्वाजीलैंड, और ये बीच में है लेसोथो। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। साउथ अफ्रीका के एक तरफ है प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन इसके पूर्व में है, तो ये तो ठीक है, ये इंडियन ओशियन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और ये जो इसके वेस्ट में है ये है अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, ना कि पैसिफिक ओशियन, तो सी तो गलत है। साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी जो नदी है उसे बोलते हैं द पिंक रिवर,
अगेन ये गलत है, इसे बोलते हैं द ऑरेंज रिवर, द ऑरेंज रिवर। ये साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। तो इसमें ए और बी ठीक है, तो आंसर इसका हो गया डी। ये साउथ अफ्रीका का डिटेल्ड मैप है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंट्री हैं। मैप प्रैक्टिस आपको प्रशांत धवन सर करवा ही रहे हैं डेली, तो वो भी आप वीडियो देखना ना भूलें। तो ये नामीबिया है, बोट्सवाना, ये सारे कंट्री हैं, और ये येलो कलर में जो है ये है साउथ अफ्रीका। और आप देख सकते हैं कि दो कंट्री ऐसे हैं जो साउथ अफ्रीका के एकदम अंदर आते हैं, एक स्वाजीलैंड है और एक बिल्कुल बीचों बीच है, हालांकि एक अलग देश है, ये है लेसोथो। लेसोथो में अभी बहुत बड़ा एक हीरा भी मिला था आपको, अगर आपको याद हो। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, ये था कर्नाटक के ऊपर, कर्नाटक अपना अलग झंडा बना रहा है, क्या ये सही है या ये सही नहीं है? देखिए ये सही है, ये इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये बहुत ही डीप और बहुत ही शानदार आर्टिकल था, ये मैं चाहूँगा आप अपने मेंस के लिए और प्री के लिए ज़रूर पढ़ें इस आर्टिकल को, कर्नाटक, क्योंकि इसमें पूरा उन्होंने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अलाउ करती है हमें, और भारत में और भी बहुत अलग अलग झंडे हैं, आर्मी का अपना झंडा है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का है, उनके अपने अपने झंडे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। तो सबसे पहला ये है कि हमारा संविधान किसी भी राज्य को या किसी भी दूसरी शाखा को अपना झंडा रखने से नहीं रोकता, मतलब नेशनल फ्लैग के अलावा दूसरा झंडा भी वो रख सकते हैं, हमारे संविधान किसी को नहीं रोकता, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, यानी आप जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट है 1971, उसके तहत राज्यों को रोका गया है कि वो अपना झंडा ना रखें, नहीं ये गलत है, कुछ नहीं रोका गया, कोई प्रोहिबिशन नहीं है इसमें, बस ये रोका गया है कि आप झंडे का दुरुपयोग नहीं कर सकते, झंडे का डिसऑनर नहीं कर सकते, उसके सम्मान से खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो झंडे को आप कमर्शियल यूज पे नहीं कर सकते, तो काफी सारी झंडे को जला नहीं सकते, इस तरह का झंडे का अपमान नहीं कर सकते, तो ये सब आता है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के अंदर। राज्य को किसी को कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है कि वो अपना झंडा ना रखे, तो गलत है भी। आर्टिकल 51A ये भारत के हर नागरिक को ये कहता है कि वो संविधान का सम्मान करे और संविधान के जो हमारे नैतिक जो सिद्धांत हैं, जो हमारे आइडियल्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रगान है, उनका सम्मान करें, ये ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 51A कि हम अपनी हर राष्ट्रीय चीज़ का सम्मान करें, जैसे राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान इत्यादि। और जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है 2002, ये कहता है कि एक राज्य अपना झंडा रख सकता है एज लॉन्ग एज, शर्त ये है कि वो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए, उस राज्य के झंडे की वजह से हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए, यह भी बिल्कुल ठीक है। तो ए सी डी और इसमें ठीक है, तो आंसर इसका है फर्स्ट। इसमें मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं, जो जैसा मैंने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट यह कहता है आप झंडे को जला नहीं सकते, उसे डिसफिगर नहीं कर सकते, उसको बिगाड़ नहीं सकते, डिफेस नहीं कर सकते, ये इंसल्ट माना जाएगा, लेकिन किसी राज्य को नहीं रोकता। आप जो आर्टिकल 51A है वो ये भी कहता है कि आप झंडे का व्यापार नहीं कर सकते, बिजनेस कोई कमर्शियल तौर पे उसे उसको प्रोफेशनल तौर पे या उसको पेटेंट नहीं करा सकते, ट्रेडमार्क डिज़ाइन नहीं करा सकते, इस तरह की चीज़ें से आपको प्रोहिबिट करता है लेकिन रोकता नहीं है, और ये भी एक स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन है। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सब इनके पास अपने झंडे हैं और ये इन्हें अपने फंक्शन में, परेड में नियमित तौर से यूज़ करते हैं। अमेरिका में जो 50 स्टेट हैं जिनसे मिलकर अमेरिका बना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सबके पास अपना अलग झंडा है, राष्ट्रीय झंडा तो है ही अमेरिका का, उसके अलावा इन स्टेट्स के पास अपना झंडा भी है। इसी तरह आप जानते हैं यूके 4 कंट्री से मिलकर बनाए मुख्यतः, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, और ये चारों के पास अपना अपना अलग झंडा है, और ये किसी भी तरह से यूके की इंटेग्रिटी को अफेक्ट नहीं करता है, यूके को ऑफेंड नहीं करता है। अब हम आते हैं चौथे सवाल पे। इस एडिटोरियल का टाइटल था अ बूस्ट टू रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं उनको उद्यमी बनाने के लिए, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए सरकार कदम उठा रही है, तो उसमें नबार्ड जो कानून है हमारा, नबार्ड एक्ट, उसके अंदर संशोधन आवश्यक है। तो सबसे पहला है कि नबार्ड जो है भारत में वो लोन देता है हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द रूरल एरियाज के लिए, ये ठीक है। नबार्ड बिल 2017 जो सरकार लेके आ रही है वो केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि जो नबार्ड का
कैपिटल है उसे वो 5,000 करोड़ से बढ़ा के 30,000 करोड़ कर दे, ये भी ठीक है। इनफैक्ट वो करना चाहती है सरकार, इससे इसे 6 गुना क्षमता नाबार्ड की ओर बढ़ जाएगी। जो लोन देने की, क्रेडिट देने की, लैंडिंग करने की जो कैपेसिटी है वो नबार्ड की बढ़ जाएगी। और नबार्ड बना था 1982 में। नबार्ड जो बना था तो वो बी सिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था। ये कमेटी थी और इन्होंने नबार्ड एक्ट पास किया था फिर, और फाइनली 1981 में पास हुआ, 1982 में फिर नबार्ड बन गया था। अभी अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 4% जितना भी नबार्ड का पेड अप कैपिटल है उसका 4% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखती है और बाकी केंद्र सरकार रखती है। ये गलत है, ये 4% नहीं है, ये 0.4% होता है आरबीआई के पास, ना कि 4%, और बाकी पूरा होता है केंद्र सरकार के पास। तो इसमें ए बी सी ठीक है, आंसर है फर्स्ट। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। ये विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश के तट पर है। आंध्र प्रदेश जो राज्य है भारत का, जिसकी दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात के बाद, उसके तट पर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का जो रेलवे स्टेशन है वो भारत में A1 कैटेगरी में सबसे साफ है। A1 कैटेगरी होती है जो बिजी रेलवे स्टेशन है, बहुत ज्यादा व्यस्त, और दूसरी कैटेगरी होती है A2 या ए भी बोल सकते हैं इसे। इसमें है ब्यास जो है अमृतसर के पास पंजाब में, सबसे साफ। और A1 कैटेगरी में जो सबसे गंदा रेलवे स्टेशन है वो है दरभंगा बिहार में। और विशाखापट्टनम जो है ये भारत का तीसरा सबसे साफ सुथरा शहर है इंदौर और भोपाल के बाद स्वच्छ सर्वेक्षण के हिसाब से। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं, ये आ सकती हैं। अब विशाखापट्टनम के तट पर एक बहुत ही दुर्लभ मछली मिली है जिसको बोलते हैं गोलियात ग्रुपर मछली। ये ठीक है, ये भी मुनिपट्टनम नाम का जो टापू है वहां पे मिली है। ये विशाखापट्टनम से लगभग 45 किलोमीटर दूर है, तो ये ठीक है। अब ये मछली मिली है तो इसको देखने के लिए पर्यटक आएंगे, स्कूबा डाइविंग वगैरह करेंगे, तो काफी हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, ऐसी आशा जताई जा रही है। गोलियात ग्रुपर जो मछली है इसे जॉ फिश भी बोलते हैं। नहीं, ये गलत है, इसे जॉ फिश नहीं बोलते, इसे ज्यू फिश बोलते हैं। JEWFISH, ज्यू फिश, ना कि जॉ फिश। जो होता है जबड़ा, तो ये जॉ फिश नहीं है, ज्यू फिश है। शब्दों का खेल है थोड़ा सा। गोलियात ग्रुपर जो मछली है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो पानी है उनमें मिलती थी अटलांटिक ओशन के। हाँ, ये ठीक है, ऐतिहासिक तौर पर ये वहां पाई जाती थी। और ये जो मछली है इसको अमेरिका में प्रोटेक्ट किया हुआ है हार्वेस्ट से, यानी अमेरिका में आप इस मछली को नहीं पकड़ सकते, और इसको एक एंडेंजर्ड स्पीशीज घोषित किया हुआ है IUCN ने। एंडेंजर्ड मतलब जो लुप्त प्राय है, जो विलुप्त हो सकती है, तो ये गलत है, ये एंडेंजर्ड नहीं है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी गंभीर रूप से विलुप्त प्राय है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा, ना कि एंडेंजर्ड। तो इसमें डी गलत है, ए और सी ठीक है, आंसर है सेकंड। अब आते हैं अगले सवाल पे। ये नीतीश कुमार जी जो है इन्होंने एक काफी बड़ी बुद्ध भगवान की जो प्रतिमा है उसका उद्घाटन करा, उसका विमोचन करा। तो बुद्ध धर्म से है अगला सवाल। पहला ये है कि बुद्ध जो धर्म है उसमें दो जूल हैं, दो रतन हैं जो बुद्धिज्म के अंदर है। दो है कि तीन है, तो तीन है, दो नहीं है, तो ये गलत है। बुद्ध धर्म के अंदर 4 मेजर नोबल ट्रूथ हैं, जो बुद्धिज्म की जो नींव है वो 4 मेजर नोबल ट्रूथ पे रखी है, ये ठीक है, 4 है। विनाया सूत, विनाया पिता का, सूत पिता का और अभिधम पिता का, ये 3 पिता का है बुद्ध धर्म की, और इनको संस्कृत में लिखा गया था, ये गलत है। 3 तो हैं ये पिता का, इनके नाम भी ठीक हैं, लेकिन ये पाली में लिखी गई हैं, ये संस्कृत में नहीं लिखी गई हैं, सी गलत है। और बुद्धिज्म में 2 मेजर स्कूल हैं जो अभी तक डेवलप हुए हैं, 2 मेजर स्कूल ऑफ थॉट जिन्हें बोलते हैं, एक है हीनयान और एक है महायान, ये भी गलत है, ये भी ठीक नहीं है, इसमें सिर्फ बी ठीक है, तो आंसर है फर्स्ट। 2 और हैं, जैसे तेरावाड़ा है, बताता हूं, तो ये NCERT से लिया गया फोटो है। देखिए 3 जूल हैं, 3 रतन बोलते हैं इन्हें, एक है बुद्ध, एक है धाम और एक है संघ, ये हैं। और महापरिनिर्वाण और ये सब आपने सुना ही होगा, बहुत डिटेल में पढ़ा करिए आप, एक एक लाइन NCERT की इंपॉर्टेंट होती है। और ये है 4 ट्रूथ, सबसे पहला दुखा, समुदाय, निरोध और मगा। और 8 फोल्ड पाथ है, यानी अगर ये 8 चीजें करेंगे तो फिर आप मोक्ष के लायक हैं। ये हैं काइंड, ट्रूथफुल एंड राइट स्पीच इत्यादि, ये 8 चीजें आपको करनी है, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट वगैरह, ये सब है। और जो 4 मैंने आपको स्कूल ऑफ थॉट बताए वो हैं हीनयान, महायान, तेरावाड़ा और वज्रयान। मैं रिपीट करता हूं, हीनयान, महायान, तेरावाड़ा और वज्रयान। अब आते हैं अगले सवाल पे। ये चलिए, एक्चुअली मैं कई बार फोटो नहीं डालता हूं, वो इसलिए क्योंकि फोटो में टाइटल होता है और टाइटल में ही फिर आंसर होता है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। भारत में हर साल 10 लाख लोगों को कैंसर होता है। 10 लाख लोग वो हैं जिन्हें नया कैंसर होता है, यानी नया जो न्यू केसेस आते हैं कैंसर के, 10 लाख लोगों पे आते हैं।
इनमें एक चौथाई यानी 2.5 लाख कैंसर के नए केस आते हैं बिहार में। नहीं, ये गलत है, ये उत्तर प्रदेश में आते हैं। अभी जो इस न्यूज की हेडलाइन थी उसी में था कि उत्तर प्रदेश, और ये तो आपको पहले ही पता चल जाता है, इसलिए मैंने फोटो नहीं डाली है, वरना मैं एडिटोरियल की फोटो भी डालता हूं। तो उत्तर प्रदेश है, वहां पे भारत के एक चौथाई कैंसर के नए केसेस हर साल आते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बना रही है और ये लखनऊ में बनेगा। मैं रिपीट करता हूं, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनेगा, ये गलत नहीं है, ये ठीक है। इनफैक्ट एक टाटा कैंसर जो हॉस्पिटल है मुंबई में बहुत फेमस, वो भी अपना एक हॉस्पिटल बना रहा है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। वर्ल्ड कैंसर डे अभी अभी मनाया गया, इसका थीम था यू कैन आई कैन, तुम कर सकते हो मैं कर सकता हूं। तो ये जो थीम है ये गलत है, ये यू कैन आई कैन नहीं था, ये था वी कैन आई कैन, वी कैन आई कैन। और ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2017 के हिसाब से भारत में 28% व्यसक हैं, एडल्ट हैं जो टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चबाकर हो गुटके के रूप में या चाहे वो सिगरेट पीकर हो, ये भी ठीक है। तो इसमें बी और डी ठीक है, आंसर इसका है फोर्थ। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं, ये वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन मनाया गया, क्या आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं किस दिन वर्ल्ड कैंसर डे हमने मनाया। अब आते हैं अगले सवाल पे, ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है और ये बहुत आपको वीर सर ने समझा दिया होगा सुबह और प्रशांत भवानी सर ने। तो बेसिकली इसमें ये बताया है कि एक ड्रग है जिसका नाम है ह्यूमिरा, तो ये जो ड्रग है ये आर्थराइटिस के लिए यूज होती है, घुटनों में जो जलन है, घुटनों में जो जोड़ का दर्द होता है हड्डियों में, उसके लिए यूज होती है। और इस ड्रग की जो सेल है पूरी दुनिया में वो 21 बिलियन होने वाली है, $21 बिलियन, तो यानी कि 1,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा की ये जो इतनी ज़्यादा सेल है इस ड्रग की। और ये पेटेंट वगैरह के बारे में है कि भारत जो है उसे सेकेंडरी पेटेंट भारत अलाउ नहीं करता उसके बारे में। तो पेटेंट जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट पे उन्हें बोलते हैं प्राइमरी पेटेंट, जो नहीं जानते दवाइयों के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो काम करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और एक्टिव इंग्रेडिएंट पे अगर आप पेटेंट लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी पेटेंट। पेटेंट मतलब कि ये ड्रग सिर्फ मैं बना सकता हूं, कोई दूसरा नहीं बना सकता, मेरा इस पे राइट है, अधिकार है कानूनी, मेरा इस पे कॉपीराइट है एक तरह से। दूसरा है कि जो सेकेंडरी पेटेंट होते हैं वो पेटेंट होते हैं जो मॉडिफाइड कंपाउंड, फॉर्मुलेशन, डोसेज और यूसेज वगैरह पे होते हैं, ये भी ठीक है। ये फर्क होता है प्राइमरी और सेकेंडरी पेटेंट में। प्राइमरी पेटेंट होता है जो ड्रग में मुख्य इंग्रेडिएंट होता है उस पे, और सेकेंडरी पेटेंट होता है बाकी चीजों पे, जैसे मॉडिफाइड कंपाउंड, फॉर्मुलेशन, डोसेज वगैरह। ह्यूमिरा एक ड्रग है जो ब्रेन मेलफॉर्मेशन के लिए यूज होती है, दिमागी बीमारियों के लिए नहीं, ये हड्डियों में दर्द जिसे आर्थराइटिस बोलते हैं उसके लिए यूज होती है, सी गलत है। सेकेंडरी पेटेंट जो होता है वो नोवार्टिस की एक दवाई है ग्लिवेक, ये ब्लड कैंसर के लिए यूज होती है, ल्यूकेमिया के लिए, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर है ए बी एंड डी आर करेक्ट। अब बात करते हैं ये मालदीव्स के अंदर, मालदीव्स के अंदर नौशाद जो है वो हमें पुकार रहे हैं कि हमारे देश के लोकतंत्र को बचा लो, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, तो चाइना ने बीच में आके मध्यस्थता करा दी, तो चाइना ने मालदीव्स में काफी अच्छी अपनी पैठ बना ली है, तो भारत ने मौका खो दिया काफी बड़ा। खैर, अब ये चार ऑपरेशन है और इनको आपको लगाना है कि इनके नाम और क्या क्या हमने करा। तो सबसे पहला है ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस क्या है, जब गयूम जो है उनके खिलाफ तख्ता पलट करने की कोशिश करी थी मालदीव्स की आर्मी ने, तो भारत ने आर्मी भेज के गयूम की सरकार बचा ली थी 1988 में। तो भारत ने मालदीव्स में इससे पहले भी मिलिट्री इंटरवेंशन करा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली ये मैच करना है तो A1 ऑपरेशन कैक्टस बोलते थे इसे। दूसरा ऑपरेशन पवन क्या है, ऑपरेशन पवन है जब हमने श्रीलंका में जो LTT के आतंकवादी हैं उनके लिए हमने एक ऑपरेशन किया था, जफना जो बंदरगाह है वहां पे उसको छुड़ाने के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन पवन। तो बी हो गया 4, A1 B4। ऑपरेशन मेघदूत बोलते हैं जब हमने सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर कर लिया था, भारतीय जो आर्मी है उन्होंने सियाचिन को कैप्चर कर लिया था 1984 में, इसको बोलते हैं ऑपरेशन मेघदूत, तो C2। और ऑपरेशन राहत है जब यमन में हमारे भारतीय नागरिक फंस गए थे यमन और सऊदी अरब की लड़ाई के बीच में, तो यमन से हमने उनको छुड़वाया था, जनरल वीके सिंह गए थे आपको याद होगा इसमें, तो इसमें D3। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। और अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पे, ये थोड़ा बहुत मैप और जीके से रिलेटेड है। ये यंगून एक्चुअली क्या है, देखिए जो म्यांमार देश है हमारा मित्र देश है म्यांमार, उतना मित्र भी नहीं है, मतलब चाइना की तरफ ज्यादा जा रहा है अभी, तो म्यांमार की म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, इसको पहले बर्मा बोलते थे, और म्यांमार की जो राजधानी है उसे यंगून बोलते हैं, बोलते थे, मतलब पुरानी राजधानी है ये, अब नहीं है, और इसे यंगून या कुछ लोग रंगून भी बोलते थे, यंगून या रंगून।
लेकिन म्यांमार की अब राजधानी ये नहीं है, ये पहले होती थी, अब क्या है, अब है नेपीडाओ, ने पी डाओ। ओके, म्यांमार की विदेश मंत्री आंग सांग सू की ये भी आई थी भारत 26 जनवरी की परेड में। हतिन कयाओ नहीं आए थे जो म्यांमार के राष्ट्रपति हैं, बल्कि आंग सांग सू की आई थी। अब यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है रंगून रिवर, इसको हम हल्यांग रिवर भी बोलते हैं, ये ठीक है। ये नदी दो सहायक नदियों से मिलकर बनती है, पैगू और माइट माका, ये भी गलत नहीं है। और ये नदी जो है ये अंडमान सी में गिर जाती है, अंडमान आइलैंड के पास अंडमान सी जो है वहां गिर जाती है, ये भी ठीक है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। और ट्वांटे कनाल ये यंगून नदी को इरावटी डेल्टा से कनेक्ट करती है, इसको पहले राइस बाउल ऑफ एशिया बोलते थे, यहाँ पे चावल की खेती बहुत ज्यादा होती थी, ये ठीक है। आपने इरावटी का नाम कहीं सुना होगा, एक इरावटी डॉल्फिन होती है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और म्यांमार में हम सितवे तक कलादान जो प्रोजेक्ट है वो सितवे पोर्ट तक जाएगा म्यांमार में, और म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में हम एक थ्री कंट्री ट्राइलेटरल हाईवे भी बना रहे हैं। तो इसमें सारे ठीक है, आंसर है ऑल आर करेक्ट। तो ये था वीडियो, इससे पहले मैं आपकी इजाजत लूँ आपको बता दूँ हमारा जो पेनड्राइव कोर्स की सेल है वो कल तक है, 15 तारीख की रात 12 बजे तक है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। और अपना स्कोर कमेंट्स में लिख के बताओ 10 में से आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए। और मैं आई थिंक 3 या 4 दिन पीछे चल रहा हूँ, तो जो इसमें 8 और 9 के MCQ थे, तो 10 और 11 के जो हैं वो आपके पास कल आएंगे 2 बजे दोपहर में, तो फिर हम ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे 11, फिर 12 और 13 के, तो दो दो दिन के करके लेके आऊँगा, समय के अभाव में डेली लाना बहुत मुश्किल है। और उतने सच बताऊं तो उतने क्वेश्चन नहीं होते, जब मैं अखबार लेके बैठता हूं उतने क्वेश्चन होते नहीं है कि मैं बनाऊं, उतनी न्यूज़ नहीं होती कई बार, तो किसी दिन तो बन जाते हैं 8, लेकिन किसी दिन फिर 3 भी बन जाते हैं। इससे अच्छा यही रहता है कि 2 दिन के मिला के मैं एक साथ बनाऊं, तो उसमें 10 की तो गारंटी होती है कि मिनिमम 10 तो मैं लाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।